हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दारा सिंह और आप देख रहे हैं डीएस वर्क। और आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं बात करूंगा फोटोशॉप पे नए पेज के बारे में। अगर आप फोटोशॉप स्टार्ट कर रहे हैं और पेज की सेटिंग को आप समझना चाह रहे हैं कि उसमें क्या क्या सेटिंग मिलती है और कैसे आपको उनको यूज़ करना है अपने वर्क के अकॉर्डिंग, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं नए पेज को। तो इसके लिए आप जाएंगे यहाँ पे फाइल, न्यू, और इस तरह से आपके सामने यहाँ पे ये ऑप्शन आएंगे फर्स्ट टाइम। ठीक है, सबसे ऊपर यहाँ पे आएगा नेम, यानी कि आप क्या डिज़ाइन कर रहे हैं उसका आप यहाँ पे नेम दे सकते हो। और आप चाहो तो ये नेम बाद में भी दे सकते हो, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे नेम दे दिया पोस्टर। ठीक है, इसके बाद में नीचे आते हैं यहाँ पे प्रीसेट। प्रीसेट में क्या है, यानी कि आप यहाँ पे पेज साइज़ क्या लेना चाहते हो। तो उसके लिए आपको इसके अंदर कुछ कैटेगरीज पहले से मिल जाती हैं कि किन किन कैटेगरी पे आप पेज साइज़ ले सकते हो। तो यहाँ पे इसको मैं ओपन करूँगा। अभी नीचे देखिए ऑप्शन यहाँ पे डिसेबल है, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे कैटेगरी कोई चूज़ कर लूँगा तब यहाँ पे इसके अंदर आपको साइज़ शो करेगा। तो इसके अंदर मैं यहाँ पे जाता हूँ, तो यहाँ पे आपको देखिए ये कुछ कैटेगरीज पहले से मिलेंगी जिनके लिए आप यहाँ पे पेज क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि यूएस पेपर हो गया, इंटरनेशनल पेपर हो गया, फोटो पेपर। ठीक है, तो इनमें से किसी भी कैटेगरी पर आप ले सकते हो अपनी ज़रूरत के हिसाब से। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको शो करता हूँ इंटरनेशनल पेपर। इंटरनेशनल पेपर यानी कि पूरी दुनिया में जो भी पेज साइज़ यूज़ होते हैं तो वो आपको इसके अंदर यहाँ पे दिए हुए हैं, हर जगह पे सेम ही होते हैं। तो मैं जैसे कि यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ तो नीचे आपको यहाँ पे शो करेगा साइज़। तो साइज़ में सबसे पहले यहाँ पे देखिए शो कर रहा है A4 साइज़। ठीक है ना, क्योंकि A4 हर जगह पे सेम ही साइज़ पे यूज़ होता है, कहीं पे भी अगर हम लोग उसको प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको A4 मिलता है। और इसी तरह से आपको और भी कई सारे इसमें साइजेस अलग अलग मिल जाते हैं जो भी आपको यूज़ करना है इसमें से। ठीक, और नीचे यहाँ पे इस पेज का आपको ये साइज़ शो कर रहा है, यानी कि इस पेज की हाइट और इस पेज की विड्थ क्या है वो आपको यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू आपको शो कर रहा है आप यहाँ पे इसके यूनिट को चेंज भी कर सकते हो, जिस भी यूनिट पे आप देखना चाहो। जैसे अभी यहाँ पे जो ये शो कर रहा है तो मिलीमीटर पर यहाँ पर शो कर रहा है। इसके अंदर अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पर हम इसको मिलीमीटर, पिक्सल, इंच, सेंटीमीटर किसी में भी चाहें तो हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं इसी वैल्यू को यहाँ पे देखता हूँ इंचेज़ में, तो हमें यहाँ पे साइज़ कुछ इस तरह से ये शो करेगा। ये इसकी हाइट होगी और ये इसकी विथ होगी A4 साइज़ की। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे इसको देखता हूँ पिक्सल्स में, तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे इसकी वैल्यू को शो करेगा। ठीक है, तो फोटोशॉप पे हम लोग जो मेन काम करते हैं वो पिक्सल पे ही काम करते हैं, क्योंकि हम लोग किसी भी फ़ोटो को अगर मेजरमेंट करते हैं तो हम वहाँ पे पिक्सल से ही उसको मेजरमेंट करते हैं कि उसके हाइट और विथ में कितने पिक्सल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका साइज़ शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू को चेंज करता हूँ हल्का सा भी, तो यहाँ पे जो प्रीसेट आ रहा है वो फिर यहाँ पे नहीं शो करेगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू इसमें इनपुट करता हूँ तो अब यहाँ पे ऑप्शन देखिए हाइड हो गया और ऊपर यहाँ पर आ गया कस्टम, क्योंकि अब यहाँ पर मैं कोई प्रीसेट नहीं यूज़ कर रहा हूँ, ये मैंने अपने अकॉर्डिंग वैल्यू यहाँ पर इनपुट की है, तो इसलिए यहाँ पे ये आ गया कस्टम पे, यानी कि हम अपने अकॉर्डिंग पेज साइज़ क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से जो चाहो वो साइज़ ले सकते हो अपनी ज़रूरत के हिसाब से। मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि आपको पेज साइज़ क्या लेना चाहिए, अभी मैं यहाँ पे सिर्फ आपको सेटिंग्स बता रहा हूँ क्या क्या इसमें मिलता है आपको। ठीक है, फिर यहाँ पर नीचे आता है रेजोल्यूशन। इसका मतलब क्या होता है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आपके पेज में जो पिक्सल्स हैं उनकी डेंसिटी क्या होगी, तो वो आप यहाँ पर वैल्यू दे सकते हो। जैसे यहाँ पर आप आगे दिख रहा होगा आपको पिक्सल स्लैश इंच, यानी कि एक स्क्वायर इंच के अंदर आपके कितने पिक्सल आएंगे उस चीज़ को ये यहाँ पे डिफाइन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो मैक्सिमम वैल्यू यूज़ करते हैं वो यहाँ पे 300 और मिनिमम जो हम लोग यूज़ करते हैं वो यहाँ पे 72 पिक्सल। ठीक है, तो 72 यहाँ पे स्टैंडर्ड है, बाय डिफ़ॉल्ट आपको कई फ़ोटोज़ में पहले से भी मिलती है ये वैल्यू। ठीक है, इस पर आप काम कर सकते हो, लेकिन जैसे कि आजकल जो हम लोग स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं फुल HD या 4K, ऐसे में आप यहाँ पे रेजोल्यूशन हाई ले सकते हो, जैसे कि आप जो बनाओ उसमें डेंसिटी आपके पिक्सल्स की काफ़ी अच्छी हो। तो मैंने यहाँ पे इसको दिया 300। ठीक है, आप भी इसको 300 ही रखिए, क्योंकि जनरली यही यूज़ हो रहा है आजकल। बाकी अगर आप वेबसाइट के लिए कुछ बना रहे हो जिसमें आपको फाइल काफ़ी हल्की क्रिएट करनी है तो वहाँ पर आप 72 रेजोल्यूशन ले सकते हो। ठीक, फिर नीचे इसमें आता है कलर मोड, यानी कि आप किस कलर मोड पर काम करना चाहते हो। फोटोशॉप बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ पर RGB कलर मोड पर काम करता है। RGB में तीन कलर आपको दिए होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू। इन तीन कलर से ही फोटोशॉप में सारे कलर बनते हैं और RGB पे ही हमारे जो स्क्रीन है वो भी काम करते हैं, चाहे मोबाइल हो चाहे डेस्कटॉप हो। ठीक है, इसी में एक और यहाँ पे दिया होता है, ये आता है CMYK। इसमें चार कलर दिए होते हैं, साइन, मेजेंटा, येलो, के।
और इसको हम लोग यूज़ करते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रिंटिंग के लिए। अगर आपको कोई फाइल प्रिंट करनी है तो आप यहाँ पे ये कलर मोड लेके अपनी फाइल को बना सकते हो और डायरेक्टली आप प्रिंट कर सकते हो। आपके कलर जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं वही कलर आपके आउटपुट में भी होंगे। अगर आप RGB फाइल पे लेके बनाते हो और आप उसको प्रिंट करते हो तो आपके कलर्स में थोड़ा सा चेंज हो सकता है। फिर यहाँ पे दिया होता है बिट, तो इसमें आपको वैल्यू दिख रही है 8 बिट। ये आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू है जो कि फाइल के लिए यहाँ पे काम करती है, ठीक है। इसका मेन यूज़ क्या होता है, यानी कि आप यहाँ पे अगर कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो और उसके अंदर आप अगर आप कुछ पेंट कर रहे हो या कलर्स अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उस कलर्स के आपको वेरिएशन कितने ज़्यादा मिलेंगे वो चीज़ इससे डिसाइड होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे 8 बिट दे रखा है तो ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। आप चाहो तो इससे और ज़्यादा डबल कलर भी इसमें ले सकते हो, 16 बिट है, 32 बिट है, ठीक है ना। तो ऐसे में क्या होगा, आप जो कलर वहाँ पर जो भी आप बना रहे हो यहाँ पर उस कलर के और ज़्यादा वेरिएशन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे में अगर आप कोई डिज़ाइन कर रहे हो तो उसमें आपको कलर काफ़ी स्मूथ दिखेंगे। अगर आपने ग्रेडिएंट बनाया है तो ग्रेडिएंट पे आपको इसका इफ़ेक्ट काफ़ी क्लियर नज़र आएगा कि वो बिल्कुल स्मूथली बनेगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आप चाहो तो यहाँ पे 8 बिट पे ही काम करो, क्योंकि 8 बिट में क्या होता है, फोटोशॉप में आप जो भी यहाँ पे डिज़ाइन कर रहे हो तो फोटोशॉप के जितने भी फाइल फॉर्मेट होते हैं उन सभी फाइल फॉर्मेट में आप यहाँ पे सेव कर सकते हो अपनी फाइल को, अगर आपने 8 बिट पे इसको क्रिएट किया है तो। अगर आप यहाँ पे बिटरेट को हाई करते हो, यानी कि आप 16 या 32 बिट अगर आप लेते हो, तो ऐसे में जो सिलेक्टेड फाइल फॉर्मेट है वही सिर्फ 32 बिट को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है। अगर मैं बात करता हूँ JPG, PNG या GIF, तो ये सारे जो फाइल फॉर्मेट होते हैं ये 32 बिट को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो ऐसे में आपको 8 बिट पे ही काम करना पड़ेगा। बिट को यहाँ पे चेंज कर देने से ही सिर्फ यहाँ पे आपके जो साइज़ पे जो फ़र्क आपको दिखेगा वो यहाँ पे देखिए नीचे नज़र आएगा। और अगर मैं इसको करता हूँ 8 बिट पे तो आपकी फ़ाइल का जो साइज़ है वो कुछ इतना बनेगा मैक्सिमम, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कलर्स काफ़ी ज़्यादा आपके आ जाते हैं। तो इसको खैर बाय डिफ़ॉल्ट आप 8 बिट पे ही रखिए, बाकी बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर आप कुछ बना रहे हैं जैसे कि 3D के लिए या किसी और चीज़ के लिए तब आप वहाँ पे हाई बिट रेट ले सकते हो, वरना आप 8 बिट पे इसको रखिए। फिर इसमें आता है बैकग्राउंड कॉन्टेंट, यानी कि आप जो पेज क्रिएट कर रहे हो तो उसमें बैकग्राउंड का कलर क्या रहेगा। तो यहाँ पर बाई डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है वाइट, ठीक है। इसके अंदर दो और ऑप्शन आपको मिलते हैं, यहाँ पे आप जाएंगे तो बैकग्राउंड कलर है और ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी में क्या होगा, आपको कोई कलर नहीं मिलेगा, ब्लैक वाइट कुछ नहीं, यहाँ पे आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा ग्रे और वाइट के पैटर्न में, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज में इस पैटर्न का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट, यानी कि वहाँ पर कोई भी कलर नहीं है। बैकग्राउंड कलर से क्या मतलब है, इसको समझने के लिए आप यहाँ पे टूल्स में नीचे आइए, तो यहाँ पे आपको दो कलर्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो कलर है आपको यहाँ पे दो बॉक्स दिख रहे होंगे, एक ये बॉक्स है एक ये बॉक्स है। तो नीचे वाला जो इसमें बॉक्स है इसको हम लोग बोलते हैं बैकग्राउंड कलर, और ऊपर वाला जो बॉक्स है इसको हम लोग बोलते हैं फॉरग्राउंड कलर, ठीक है। तो ऐसे में अगर मैंने बैकग्राउंड कलर में यहाँ पे रेड कलर पहले से सेट करके रखा हुआ है और मैं यहाँ पे चूज़ करता हूँ बैकग्राउंड कलर, तो हमारा जो पेज होगा वो रेड कलर में क्रिएट होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मैंने यहाँ पे कोई और कलर दिया होता तो हमारा पेज उस कलर में क्रिएट होता। खैर इस चीज़ को हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं, पेज का कलर हम कभी भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे वाइट ले लीजिए। फिर यहाँ पे एडवांस में कुछ और आपको यहाँ पे सेटिंग मिलती है, जैसे कि कलर प्रोफाइल और पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो, ठीक है। कलर प्रोफाइल भी यहाँ पे कलर्स के लिए ही काम करती है, यानी कि आपके कलर्स कितने ज़्यादा इसमें सैचुरेटेड या हाई होंगे वो यहाँ पे इस कलर प्रोफाइल पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट अभी लगा हुआ है sRGB, ठीक है। तो sRGB यहाँ पे स्टैंडर्ड है, इसको हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं और आप भी इसी को यूज़ कीजिए, क्योंकि आप इससे अगर हाई इसमें लेते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ इसमें बहुत सारे प्रीसेट दिए होते हैं, ठीक है, अलग अलग कैमराज के अकॉर्डिंग, प्रिंटर के अकॉर्डिंग काफ़ी सारे इसमें ऑप्शन आपको मिलते हैं। तो आप यहाँ पे हाई में चाहो तो आप यहाँ पे एडोब का RGB ले सकते हो या एप्पल का ले सकते हो या किसी कैमरे के अकॉर्डिंग आप ले सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है, ये चीज़ तभी फ़ायदा करेगी आपको जब आपको अपनी उस फाइल को डायरेक्टली प्रिंट करना होगा। क्योंकि क्या होता है, अगर आप यहाँ पे कलर प्रोफाइल में काफ़ी हाई प्रोफाइल यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हो तो ऐसे में अगर आप उसको अपलोड करते हो कहीं साइट पे या स्क्रीन में ही आप किसी को अगर शो करते हो डेस्कटॉप पे रख के, तो वहाँ पे आपको कलर्स उतने ज़्यादा अच्छे उसमें नहीं मिलेंगे, हो सकता है थोड़े से डल हो जाए, क्योंकि हमारे जो मॉनिटर स्क्रीन है वो भी यहाँ पे sRGB पे ही काम करते हैं, तो इतने ज़्यादा सैचुरेटेड कलर को वो उसके ओरिजिनलिटी पे शो नहीं कर पाएंगे, वो चीज़ आपको फिर प्रिंटिंग में ही अच्छी मिलेगी। तो इसलिए आप यहाँ पे
बाई डिफॉल्ट इसको sRGB पे ही रहने दीजिए। अगर आपको फाइल को डायरेक्टली प्रिंट करना है तो आप यहाँ पे एडोब RGB या एप्पल का जो RGB है आप यहाँ पे ले सकते हो, तो आपके कलर काफ़ी अच्छे आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको रखिए बाई डिफॉल्ट sRGB। इसी तरह से नीचे यहाँ पे दिया हुआ पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो, ये चीज़ यहाँ पे पिक्सल की रेशियो के लिए काम करती है। ये वाला जो ऑप्शन है फोटोशॉप में पुराने वर्जन में पहले नहीं आता था, क्योंकि पहले हम लोग सिर्फ फोटो एडिटिंग ही करते थे, लेकिन अब जो फोटोशॉप आ रहा है उनमें आप वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हो, इसका भी उन्होंने ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। इसीलिए यहाँ पे पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो का ऑप्शन भी उन्होंने इसमें ऐड किया है, क्योंकि वीडियो में आपका जो पिक्सल है उसका रेशियो चेंज हो सकता है, वो स्क्वायर से रेक्टेंगल हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं फ़ोटो की, तो फोटो में इस चीज़ को चेंज नहीं किया जाता है, फ़ोटो में हम लोग स्क्वायर पिक्सल ही यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपको जितने भी ऑप्शन मिलते हैं आप इसमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट ना कीजिए, वरना आपकी फ़ाइल जो है वो आउटपुट में आपको स्ट्रेच लगेगी, थोड़ा सा खींची हुई लगेगी। तो यहाँ पर आप बाई डिफ़ॉल्ट इसको स्क्वायर पिक्सल पर ही रहने दीजिए। ठीक है, ये सारे ऑप्शन मैं आपको आगे कभी एक्सप्लेन करूँगा जब वीडियो एडिटिंग का ट्यूटोरियल बनाऊँगा, अभी के लिए यहाँ पर आप इसको रखिए स्क्वायर पिक्सल। ठीक है, तो ये सारी यहाँ पे सेटिंग्स थी। जब भी आप नया पेज इसमें क्रिएट करते हो, आपने यहाँ पे जो भी पेज साइज यहाँ पे दिया है, अगर आप रेगुलरली उसी पेज साइज़ को यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे आप उसको सेव प्रीसेट कर सकते हो, एक प्रीसेट की तरह बना के। तो यहाँ पे आप रीनेम भी कर सकते हो या डायरेक्टली आप यहाँ पे ओके कर सकते हो। तो ये यहाँ पे एक प्रीसेट की तरह इसके अंदर सेव हो जाएगा, जैसे कि मैंने पहले से यहाँ पे सेव किया हुआ है। इसके अंदर आपको दिखेगा एक ये हमारा साइज़ है और एक यहाँ पे मैंने फुल HD का साइज़ सेव कर रखा है। तो इसी तरह से आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी पेज साइज़ पे आप रेगुलरली काम करते हो आप उसको यहाँ पे एज अ प्रीसेट सेव कर सकते हो। ठीक है, तो सारी ये सेटिंग्स थी यहाँ पे नए पेज को जब भी हम लोग क्रिएट करते हैं। बस हमेशा यहाँ पे आपको इन कुछ चीज़ों को हमेशा ही चेक करना है कि आपका हाइट विथ क्या है, ठीक है, और कलर मोड क्या है, और वेट यहाँ पे क्या है, और एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने यहाँ पे यूनिट में क्या लगा रखा है, पिक्सल इन सेंटीमीटर, ये भी ज़रूरी है। क्योंकि कई बार इसमें काफ़ी लोग ये करते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे इंचेस लगा हुआ है और उन्होंने ध्यान नहीं दिया और यहाँ पे वो वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हाई इसमें इनपुट कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा, आपकी जो फाइल बन रही है ये पिक्सल्स में नहीं, ये इंचेस में है, तो फाइल काफ़ी ज़्यादा हैवी बनेगी। आप यहाँ पर साइज़ देख सकते हो। ठीक है, अगर इसी वैल्यू को हम यहाँ पर पिक्सल्स में देखें तो आपका पेज कुछ इस साइज़ पे क्रिएट हो रहा है, तो ये फ़ोटोशॉप के लिए बहुत ज़्यादा हैवी है, आपका सॉफ्टवेयर यहाँ पे काम करने में हैंग भी करेगा। तो इसलिए हमेशा इसको ध्यान रखिए कि आपने यहाँ पे क्या इसमें सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, अगर आपने पिक्सल ले रखा है तभी आप यहाँ पे वैल्यू को 1000 में क्रिएट कीजिए। ठीक है, तो ये सारी सेटिंग थी। इसके बाद में मैं यहाँ पर करता हूँ ओके, तो हमारा पेज कुछ इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। तो इसमें 3000 पिक्सल इस तरह से हैं और 2000 इस तरह से हैं। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे एक पेज क्रिएट किया है। अब आपको अपने वर्क के अकॉर्डिंग क्या पेज साइज लेना है वो मैं आपको आगे बताता हूँ, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं ग्राफिक को। अगर आप ग्राफिक के लिए कुछ एक डिज़ाइन कर रहे हैं जिसको आपको बाद में पोस्ट करना है कहीं वेबसाइट के ऊपर या सोशल नेटवर्किंग साइट पर कहीं आपको डालना है, तो ऐसे में आप ये ध्यान रखिए कि आप जो डिज़ाइन बनाएंगे वो सिर्फ आपको स्क्रीन पे शो करना है, चाहे वो डेस्कटॉप की स्क्रीन हो चाहे मोबाइल की स्क्रीन हो, वहाँ पे ही आपको अपना वो ग्राफिक शो करना है। ठीक है, तो ऐसे में आपको ये ध्यान रखना होगा, तो हमारे जो स्क्रीन के जो साइज़ जो ज़्यादातर अभी यूज़ हो रहे हैं हमें उसी साइज़ को ध्यान में रख के ग्राफिक अपना डिज़ाइन करना चाहिए एक पोस्ट करने के लिए। जैसे कि अभी जो स्क्रीन यूज़ हो रही है ज़्यादातर वो फुल HD के साइज़ पे ही हम लोग यूज़ कर रहे हैं, चाहे मोबाइल की बात करें चाहे डेस्कटॉप की बात करें, ज़्यादातर जो रेजोल्यूशन यूज़ हो रहा है वो है 1920x1080, तो इसी पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं अपनी स्क्रीन को। ठीक है, तो आप इसमें अपने ग्राफिक को इसी साइज़ के रेजोल्यूशन पर ही आप बना सकते हैं, जिससे कि आपका डिज़ाइन सही दिखे। आप अगर उसको फुल स्क्रीन पर देखते हैं तो वो पिक्सेलेट नहीं होगा, ब्लर नहीं होगा, बिल्कुल ही क्लियर दिखेगा। ठीक है, बाकी आप चाहें तो उससे हाई भी बना सकते हैं, 4K डिस्प्लेज भी हैं, हालांकि 4K डिस्प्ले ज़्यादातर भी सबके पास में नहीं है, लेकिन फुल HD सभी के पास में है। तो आप फुल HD के आसपास जो है रेजोल्यूशन पे ही अपने डिज़ाइन को बनाइए जो भी आपको पोस्ट करना है। ठीक है, उससे कम साइज़ पे आप ना डिज़ाइन कीजिए, क्योंकि ऐसे में अगर आप पोस्ट करते हैं तो आपका डिज़ाइन पिक्सेलेट हो जाएगा और ब्लर दिखेगा। मान लीजिए आपने कोई एक पोस्टर या कोई एक डिज़ाइन बनाया है जिसमें आपने एड्रेस या फ़ोन नंबर या और कई ऐसी आपने डिटेल्स उसमें दी हैं और काफ़ी आपने छोटे फॉन्ट में उसको लिखा हुआ है, तो वो कई बार वो पढ़ने में नहीं आ पाएगा, तो इसलिए
आप अपने डिज़ाइन को फुल एचडी के साइज़ पे तो बनाइए ही बनाइए, बाकी आप उससे हाई भी बना सकते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं प्रिंटिंग की, तो प्रिंटिंग में भी आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपना जो डिज़ाइन प्रिंट करना है तो किस साइज़ पे आपको उसे प्रिंट करना है। जैसे हम अगर नॉर्मल प्रिंट की बात करते हैं A3 A4, तो इसमें आपको पहले से ही फोटोशॉप के अंदर पेज मिल जाता है, मैंने जैसे भी आपको दिखाया, तो आप उसमें से पेज लेकर के डायरेक्टली आप उसी पे अपना डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो और डायरेक्टली आप प्रिंट कर सकते हो, तो वो सही दिखेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसी बड़े प्रिंट के बारे में, जैसे आपको कहीं पे वॉल पे कुछ प्रिंट करके लगाना है या होर्डिंग पे या ऐसे ही किसी बड़े साइज़ पे अगर आपको प्रिंट करके लगाना है, तो ऐसे में आपको उसे मेज़र करना पड़ेगा उसकी हाइट और विड्थ को कि एक्चुअल में उसका साइज़ क्या है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको फोटोशॉप पे पेज भी क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो फोटोशॉप पे जो पेज साइज़ हम लोग लेते हैं, तो उसमें जो यूनिट दी होती है आपको पिक्सल, सेंटीमीटर, इंच, इन सब में ही दी होती है, ठीक है। फोटोशॉप में फिट में या मीटर में आपको यूनिट नहीं दी होती मेज़र करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे में आपको अपना जो मेज़र करना है अपने पोस्टर या वॉल को, तो वहाँ आप उसको इंचेस में मेज़र कर सकते हो कि कितने बाई कितने इंच की आपकी वो वॉल है, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग आप फोटोशॉप में एक पेज क्रिएट कर लीजिए सेम उसी साइज़ पे, और फिर आप अपना डिज़ाइन बना के डायरेक्टली उसको प्रिंट आप कर सकते हैं। फोटोशॉप में आप जब भी इस तरह का कोई एक साइज़ लेके अगर आप डिज़ाइन बना रहे हैं, तो ऐसे में आपकी जो फाइल होगी वो काफ़ी हैवी हो सकती है, क्योंकि जनरली फोटोशॉप इस तरह के वर्क के लिए नहीं है, प्रिंट के लिए अलग से और भी सॉफ्टवेयर हैं जिन पे काफ़ी काम होता है। फोटोशॉप का जो मेन काम होता है वो डिजिटल फाइल के लिए होता है, यानी कि जो हमें फाइल स्क्रीन पे ज़्यादातर देखनी होती है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम चाहें तो प्रिंटिंग के लिए इसमें फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको प्रिंट करना है, तो सबसे बेस्ट इसमें रहेगा कोरल ड्रॉ, आप डायरेक्टली जाके उस पर अपना डिज़ाइन बना सकते हैं और उस पर आप प्रिंट कर सकते हैं। उसमें फाइल आपकी हैवी भी नहीं होगी और प्रिंट के बाद में आपकी जो क्वालिटी होगी वो बिल्कुल सही आएगी, क्योंकि वो प्रिंटिंग के लिए ही ज़्यादातर यूज़ होता है। लेकिन फिर भी कई ऐसे डिज़ाइन होते हैं जो कि हम बाकी किसी सॉफ्टवेयर पे नहीं बना सकते, फोटोशॉप पे ही हम उसको सबसे अच्छा बना सकते हैं। तो ऐसे में आपको यही करना पड़ेगा, आपको मेजरमेंट लेके आप उसे फोटोशॉप पे ही आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा एक हैवी फाइल में ही, और उसके बाद में आप उसे डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हो। तो VFX के लिए अगर हम बात करें, तो VFX में जैसे आप क्लीन पेंट बना रहे हैं या मैट पेंटिंग बना रहे हैं, तो आप अपने वीडियो के साइज़ से थोड़ा बड़ा साइज़ लेकर के उसको क्रिएट कर सकते हैं और फिर आप उसको VFX में यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर आप VFX के लिए उसे यूज़ कर रहे हैं, तो कैमरा आपका कितने एरिया को कवर कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको अपना पेज साइज़ क्रिएट करना पड़ेगा। तो ऐसे में आप अगर क्लीन पेंट या मैट पेंटिंग बना रहे हैं, तो पिक्सलेट नहीं होगा और बहुत ज़्यादा फाइल हैवी भी नहीं होगी, जितना आपको रिक्वायर्ड है उतने पे ही आप अपना डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो और फिर आप उसको अपने शॉट में यूज़ कर सकते हो। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं 3D की, तो 3D में भी फोटोशॉप का काफ़ी यूज़ किया जाता है। जैसे कि अगर हम कोई मॉडल बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, तो उसके ऊपर जो हमें पेंट करना होता है, उसके लिए हमें पहले टेक्सचर क्रिएट करना पड़ता है फोटोशॉप पे, फिर हम उसको अनरैप करके अपने 3D मॉडल के ऊपर उसको हम लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि आपने जो मॉडल बनाया है वो एक लो पॉली मॉडल है या हाई पॉली मॉडल है, उसके अकॉर्डिंग ही आप उसका टेक्सचर साइज़ भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप हैवी पेज भी ले सकते हो टेक्सचर के लिए, जिससे कि आपकी डिटेल और उसमें क्लियर आए। तो फ्रेंड्स, ये था आज की इस वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए, जिससे कि इसी तरह की आने वाली वीडियोज़ को आप सबसे पहले देख सकें। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट में नीचे लिख सकते हैं, या आपको किसी एक टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, या आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके लिए वो वीडियो बनाऊंगा। बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली किसी एक और ऐसी ही वीडियो में। तब तक के लिए काम करते रहिए और हमेशा ही कुछ नया सोचिए। गुड बाय।